जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश ने बुलंदशहर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएम ने राइस मिल में छापामार कर करीब 259 बोरे सरकारी चावल पकड़ा है। मिल से और भी 174 कट्टा चावल, 5,10,000 रुपए की नकदी भी छापामार कार्रवाई के दौरान बरामद की गई है। डीएम का दावा है कि मामले में आपूर्ति विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका की जांच भी कराई जा रही है। डीएम का दावा है कि राइस मिल मालिकों पर जांच के बाद होगी गैंगस्टर की कार्रवाई। डीएम के अनुसार गरीबों के निवाले पर डाका डालकर मिल में पहुंचाया जा रहा था सरकारी खाद्यान्न। डीएम का दावा है कि जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर भी कराई जाएगी FIR की कार्रवाई। गोपनीय सूचना पर डीएम ने टीम के साथ की राइस मिल में छापामार कार्रवाई। बुलंदशहर की देहात कोतवाली क्षेत्र स्थित राइस मिल में की गई है छापामार कार्रवाई। मुझे कई दिन से गोपनीय जानकारी मिल रही थी कि सदर का जो हमारा मार्केटिंग का गोदाम है, वहाँ से जो हमारा गरीबों का खाद्यान्न है, वो कालाबाजारी करके राइस मिल में ले जाया जा रहा था। आज हमने रेड कराई। मौके पर एक ट्रक में लदा हुआ लगभग 260 बोरा चावल और 174 कट्टे जो उनको उतार करके बदल दिया गया था, दूसरे बोरों में रख दिया गया था, और उनके खाली बोरे सरकारी बोरे जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा 5,10,000 रुपये नकदी भी बरामद हुआ है। मौके पर पूरा राइस मिल के कंपाउंड में ट्रक खड़ा हुआ मिला है और उसमें जो राइस मिल के ओनर हैं, इन सबकी पूरी संलिप्तता है। और इसमें इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो राजकीय कर्मचारी हैं जिनकी देखरेख में हुआ है, उसकी भी जाँच की जा रही है। अगर वो भी दोषी पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। परंतु जो राशन की कालाबाजारी कर रहे हैं, जो माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत और IPC की जो भी अन्य धाराएं हैं, 3/7 EC एक्ट के अलावा और भी जितनी भी धाराएं हैं, उसके तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और कोई भी इस तरीके का जो इस प्रकार के अपराध में लिप्त है, जो सरकार सबको मुफ्त में राशन दे रही है, दो दो बार राशन दे रही है, और हमारे माफिया लोग इस तरीके से कालाबाजारी करेंगे, जो पूरे सिस्टम को मतलब से खेलने का प्रयास करते हैं, सरकार की भी के निर्देश हैं और हम लोगों की भी पूरी मंशा है, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति करने का दुस्साहस ना। ये तो अभी नहीं पता चला है, जांच का विषय है कि कब से ऐसा गोरख धंधा है, लेकिन मैंने अभी हाल ही में आपके जनपद में चार्ज लिया है, मुझे ऐसी जानकारी मिली थी और तत्काल कार्रवाई कराई गई है। हमारे अपर जिलाधिकारी, SDM, DPRMO सारे मौके पर हैं और भी जांच पड़ताल की जा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न मिलना, इतनी अधिक धनराशि में पैसा मिलना, इनमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसा गिरोह, संगठित गिरोह तो नहीं है जो इसमें इन्वॉल्व हो। अगर मेरे वहीं बगल में ही गोदाम भी है और राइस मिल भी बगल में है और हमारे गोदाम का खाद्यान्न राइस मिल में मिला है, तो प्रथम दृष्टया संदेह तो पैदा होता है और इसी बात की जाँच कराई जा रही है। और कोई गोदाम के हमारे सरकारी कर्मचारी भी अगर उसमें लिप्त होंगे तो उन पर भी वही धाराएं लागू की जाएंगी जो राइस मिल के ऊपर की जाती है। Time 24 न्यूज के लिए इकबाल सेफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।